नमस्कार, मैं हूं राकेश और आप मुझे सुन रहे हो टैक्स जंक्शन पर। तो दोस्तों, ईपीएफओ की तरफ से एक सर्कुलर आया है। ये सर्कुलर है एम्प्लॉयर्स रिलेटेड और एम्प्लॉई रिलेटेड भी कुछ जानकारी है। आइए लेते हैं हम डिटेल में जानकारी, क्या एम्प्लॉयर को फायदे है और क्या एम्प्लॉईज को फायदे है। तो ये वो सर्कुलर, ये सर्कुलर आया है 15 मई 2020 को। ये सर्कुलर है ईपीएफओ का। तो यहां पे उन्होंने एक इंपॉर्टेंट बात बोली है कि अगर एम्प्लॉयर जो है वो ईपीएफओ भरने को डिले करते हैं लॉकडाउन के कारण और उनको तकलीफ होती है अगर डिले भरने के लिए, तो जो ईपीएफओ की जो पेनल प्रोविजन है 14B की, जो ईपीएफ एक्ट के तहत है, वो अप्लीकेबल नहीं होने वाली है। विल नॉट देयर फॉर अट्रैक्ट द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 14B ऑफ ईपीएफ एक्ट। अगर आप एम्प्लॉयर हो और आपको डिले हो रहा है ईपीएफओ का पेमेंट करने का, अपने एम्प्लॉयज का, आपने जो ईपीएफ डिडक्ट किया है वो भरने को आपको डिले हो रहा है, तो फिर आपको पेनल प्रोविजन नहीं लगने वाली है 14B ऑफ ईपीएफ एक्ट। 14B मतलब जिस पे पेनल प्रोविजन है, पेनाल्टी लगती है आपको 5%, 15%, 25% तक पेनाल्टी जाती है अगर आप ईपीएफ का डिले करते हो भरने के लिए, तो आपको ये पेनाल्टी नहीं लगने वाली है ईपीएफओ की तरफ से। और यहाँ पे और एक दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात है जो एम्प्लॉईज के लिए उन्होंने बोला है कि मई, जून और जुलाई, ये जो 3 महीने है, ये 3 महीने में एम्प्लॉईज का पीएफ जो है वो डिडक्ट होगा 10% से। पहले 12% डिडक्ट होता था, अब 10% से होगा। तो उसके कारण जो है एम्प्लॉईज का टेक होम जो है वो बढ़ने वाला है, क्योंकि पहले ज्यादा परसेंटेज से पीएफ कट होता था, अब कम परसेंटेज से पीएफ कट होगा, तो बचा हुआ 2% का एम्प्लॉईज को बेनिफिट होने वाला है। ध्यान रखिएगा, पीएफ जो डिडक्ट होगा मई, जून और जुलाई महीने का, वो 10% से आपका डिडक्ट होने वाला है, तो आपका टेक होम जो है वो बढ़ने वाला है। गवर्नमेंट ने ऐसा बोला है कि इसका फायदा अपने देश में ऑलमोस्ट 4.3 करोड़ सब्सक्राइबर्स है, 4 करोड़ से ज्यादा ईपीएफ वाले लोग हैं, उनको इसका फायदा होने वाला है। और 6 लाख के ऊपर एस्टैब्लिशमेंट से, बिजनेस से जो पीएफ का पेमेंट करते हैं, उनको फायदा होने वाला है कि उनको 10% ही ईपीएफ डिडक्ट करके भरना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा कि एम्प्लॉयर्स को फायदा है कि उनको 14B अप्लीकेबल नहीं होगा, एम्प्लॉयज को फायदा है कि उनका ईपीएफ जो है वो 10% से ही डिडक्ट होने वाला है मई, जून, जुलाई का। एनीवे, आपके इस बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। आप अपना ख्याल रखिएगा, जब जरूरत हो तो ही घर से बाहर निकलिएगा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।